हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होगे, मस्त होगे, घर के अंदर ठीक ठाक होगे। तो गाइस, नेक्स्ट दिन हमारी शुरुआत होती है होली से, अगले दिन की। और अभी तक देखो मेरे कलर, ये देखो अभी तक नहीं उतरे। ऐसा लग रहा है मैंने नेल पॉलिश लगा रखी है हाथों में। इस टाइम हो रहा है यहाँ पे 3:15। और अभी का प्लान ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ जिम में, और मेरे साथ जा रही है ये जिम में। ओके, आज इसका जिम का कौन सा दिन है वैसे? है दूसरा तीसरा दिन, पर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी। मैं आज व्लॉग दिखा रहा हूँ, और इसका दिन का तो चौथा पांचवा हो गया। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन ही है व्लॉग के हिसाब से। तो चलो गाइस, फटाफट जिम में चलते हैं और देखते हैं। आज ये भी जिम में जाएगी, इसकी जोर निकलवाते हैं इसका आज। चलो फिर, मुंह पे लगाइए क्या है? अरे बाल गीले हो जाते हैं ना, मुंह धोते टाइम। डुड्डू आ गया हमारा, डुड्डू डुड्डू। तो गाइस, डुड्डू को हम लेके आ गए थे कल। हाँ भाई, हाँ भाई, बादल इस पूरे दिन इसके साथ खेलता रहता है पूरे दिन इसके। और इसकी भी कटिंग करवाने का, जिसको भी हम सैलून पे छोड़ देंगे वहां पे इनके, क्योंकि इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं ना। जब तक बाल कटते रहेंगे, जब तक हम जिम वगैरह कर लेंगे, इतना गर्मी भी आ गई ना, तो एसी चला रखा है तही थोड़ी सी शांति में तो ठीक है। फिर ये दुखी होता है यार। भाई देख, बड़े बड़े बाल लड़के कर लो या ये तो कुत्ते हैं। अरे तो बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं इसके तो। ब्रीड ही है ये सिट्जू, इसके तो बहुत बड़े बड़े। अभी तो बहुत छोटे बाल है, कितने परसेंट हो गए? 100 में से भी 20-30-40% 100 होंगे तो बहुत बड़े हो जाते हैं इसके। ये आंखों में इसलिए टकने लग जाते भाई इसके बाल। चलो फिर जल्दी यार, लेट हो रहे हैं। चलो निकल पड़े हम। अरे डुड्डू अपनी स्कूटी पे सुसु, और ये देखो कितनी गंदगी फैल गई है। हमारी गली बिल्कुल वैसे ऑलमोस्ट साफ रहती है, लेकिन अब और स्कूटी पे देखो ये कुत्ते बैठते हैं ना, इस वजह से। और आपको भैया का घर दिखा देती हूँ, जिनका भैया का नया घर बना है। ये मेन गेट है, और ये देखो ऊपर तक बाहर से टाइल्स वाइल सब लग चुकी है, आपको दिख रही हो तो। ये घर अगर मेन रोड पे होता ना भैया, और जबरदस्त बनवा देते। अभी भैया ने अपना पूरा बेस्ट दिया, पूरा बेस्ट। और सब और इस गली में सबसे बेस्ट घर लग रहा है भाई, हमें तो लगेगा हमारा पैसा लगाया। आजा, पर ये सारी मेहनत पापा की है। ये गाइस अब फाइनली इसकी फटेगी, क्योंकि डड्डू की शॉपिंग करना है इसके बाल बाल कटवाने के लिए। डरेगा, डरिए मत बेटा, कोई बात नहीं। गाइस वहां पे तो था हाउसफुल, मतलब बहुत टाइम लगना था। यहां पे आए, यहां पे देखते हैं। चलो गाइस, फाइनली इसका नंबर आ गया। 10 मिनट लगेंगे इसको। हाँ। इसका विदाई कटे आगे देखो कैसा मासूम सा बन गया, बिल्ली से बन गया, मासूम बिल्ली से बन गया ये। जाओ ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, हो जाएगी इसकी बातें। बाय डुड्डू। देख देख कैसे जा रही थी, कैसे देख रही। तो यार इतना तो करना ही पड़ेगा ना, अब उसको घर से वहाँ ले आए तो इतना तो करना ही है। या तो फिर तुम यहाँ बैठ जाओ, हम जिम कर लेंगे जब तक। तुम बैठ जाओ, फिर मैं वर्कआउट करके आ रहा हूँ। मत जाओ फिर, और क्या, मत करो वर्कआउट करना है बता, करना है कि नहीं करना? चले फिर जिम में, पक्का रेडी? चलो गाइस, जिम जाने से पहले नितिन पी रहे हैं शकंजी, सॉरी। मेरे स्कूल में क्या हो रहा है? आपका स्कूल कहाँ है? सामने ही है गाइस, ये नितिन का स्कूल है देखो। कोई नेता आ रखा है, नेता। हाँ ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं यहाँ पे। हमारे पटेल नगर में गाइस नेता वेता ऐसे आते रहते हैं, थोड़ी बातचीत वगैरह, थोड़ी बातचीत ऐसी है ना यहाँ पे। तो गाइस जिम हम आ गए हैं, और नितिन है यहाँ पर, पानी पीने आया है। पानी घर से भी नहीं आ सकता, शिकंजी भी क्या है। आज आप अच्छे लग रहे हो, ऐसे दिखाओ। लेग मार देना, लेग मेरी वीक पार्ट है यार। मैंने सोच लिया कि लेग तो मैं तगड़ी मारूंगा, वो बढ़िया से लेते हैं लेग आज। और मैं क्या लूं? तुम अपनी साइकिलिंग करो, ट्रेडमिल चलो। ये हाथों में क्या हो गया? ये नेल पॉलिश लगाने लग गया होली की। सुनो, अंदर आ जाना। गाइस मुझे आधा घंटा करनी है पहले साइकिलिंग, और आधा घंटे करनी है रनिंग। तो पहले मैं वो करती हूँ, मंजीत भैया ने जो बोला है मैं वो ही कर रही हूँ।
खराब है, बहुत तकड़ी दिखा रही बारी में आपको, पर कहीं लोग कहीं हमारे। तो गाइस वापस से आ गए हम डुड्डू को लेने जिम जूम, अपना वर्कआउट करके, एक नंबर का वर्कआउट हुआ हमारा। कौन डुड्डू? चलो कोई बात नहीं, अंदर हो गया होगा अभी टाइम, तो बस होने वाला होगा। चलो अब उसकी हालत देखना, क्यूट सा बन जाएगा, अरे रो रहा होगा ना मेरे हिसाब से। तो डुड्डू डुड्डू ही भोक रहे गए, नहीं वो तो चुप होगा। तब तक के लिए डुड्डू का खाने का सामान वगैरह ले लो। ओ उसकी फेवरेट चीज़, ये तो उसकी फेवरेट है, और क्या लेना है। डुड्डू आने वाला है, ये रहा। ओ छोटा सा मुंह देख कैसा हो गया। हाँ बेटा उसकी आँख पूरी खुल गई, अब तो आँख में उसकी दिक्कत नहीं लग रही, देखना देख कैसे प्यार करा डुड्डू। भाई इधर डुड्डू, हाँ भाई कैसा छोटा सा हो गया। सुन डुड्डू चीज अब तेरे पास ही रहेगा। इधर आ, हाँ बिल्लू बिल्ली। इसकी दोबारा से इसकी कटिंग करवाई छोटी सी, क्या रह गया था इसका? उछड़ हैवी हो गए थे, जल्दी बढ़ जाती है इसकी गर्मी वर्मी हो जाती है। चलो चलो भाई अब इसको यहाँ एक सेकंड में नहीं रुकना। चलो थैंक यू भैया, चलो मटकता अंडर है ये रहा पट्टा। लो थोड़ी सी हेल्दी चीज़ें जिम के बाद पीनी चाहिए। चेस चेस है कोई बात नहीं। तो गाइस मैं तो खाऊंगा अपनी रोटी जिसके अंदर आलू की सब्जी बना रखी है और घी है अपना देसी है, रोटी है और मेरी लस्सी जो है वो है आ रही है, वो डाल के आधी शिवानी। तो फटाफट से अपना खाना खत्म करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं फिर। तो भाई साहब लस्सी खट्टी थी पर दही आ गया। और लस्सी पता क्या हुआ, उसमें गैस बन रखी थी, गाँव से लस्सी आई थी गाइस। गाइस हमारी ना गाँव से लस्सी आई थी, उसमें गैस बनी हुई थी, तो मैंने वो खोली सारी, देखो मेरे हाथ वहाँ तक फुसक गिर गई सारी, सारी खंडारी मेरी लस्सी आ दी। इसमें एक नंबर की सब्जी बना रखी है पूरी भंडारे वाली, सच बताऊं वो बना के गई थी यहाँ से। और ठंडी रोटी थी इसमें स्पेशली, अभी खड़ी हो गई मेरे लिए गर्म रोटी, जिम से आती मजा आ गया गाइस। वैसे मैं रोटी बना कर रख के गई थी बट वो ठंडी हो गई तो उन्हें मैं खा लूंगी, नितिन के लिए मैंने गर्म बनाई है क्योंकि नितिन आज घर पे है ना इसलिए। सो गाइज आज का दिन भी होता हमारा समाप्त, जिम वगैरह करी है फिर उसको आपको दिखाया, फिर मैं घर आ गया, फिर डाइट वाइट ली और अब नींद आ रही है बहुत तेज, अभी हम सो जाएंगे। तो गाइस आज के व्लॉग को करते हैं फिर खत्म, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहो। ओके बाय।